कई साल पहले की बात है, एक माधवपुर नामक गांव में आलोकनाथ नाम के एक मशहूर वैद्य रहते थे। वे जड़ी बूटी के माध्यम से अमीर गरीब सबका बहुत कम पैसे में इलाज करते थे। वैद्य जी ने अपने घर के आसपास बहुत सारी जड़ी बूटियों की खेती की थी। एक बार एक जमींदार के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने हर जगह अपने बेटे का इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। उसे कुछ लोगों ने वैद्य आलोकनाथ जी का नाम सुझाया। वो अपने बेटे को लेकर वैद्य जी के दवा खाने पर आ गया। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपको मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा इकलौता लाडला बेटा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे ठीक कर दीजिए। बाबू साहब, आप हाथ मत जोड़िए, मैंने इसके रोग को समझ लिया है। इसका इलाज बहुत कठिन है, लेकिन मैं करूँगा। मुझे इसके इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए। वो जड़ी बूटी यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत के पास मिलती है। वैद्य जी, मैं आपके लिए एक अच्छे रथ का प्रबंध कर देता हूँ। आप आराम से जाइए और वो जड़ी बूटी लेकर आइए। मेरे बच्चे की जान बचाइए। आप चिंता मत करिए, मैं वो जड़ी बूटी अवश्य लेकर आऊंगा। जमींदार ने रथ पर बिठाकर वैद्य जी को जड़ी बूटी लाने के लिए रवाना कर दिया। वैद्य जी जब उस पर्वत के पास पहुँचे, तब उन्हें एक हंस दिखाई पड़ा। पंडित जी, यहाँ जड़ी बूटी के रखवाली के लिए एक भयानक राक्षस रहता है। वो अक्सर सोया रहता है, लेकिन किसी की भी आहट मिलने पर जाकर सामने आए व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर देता है। हे हंसराज, मैं एक वैद्य हूँ और एक बालक की प्राण रक्षा हेतु एक जादुई जड़ी बूटी लेने आया हूँ। यदि मुझे वो जड़ी बूटी मिल गई तो उस बालक के प्राण बच जाएंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वैद्य जी, आप एक बहुत ही नेक इरादे से यहाँ आए हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी यथोचित सहायता करूँ। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं अभी जाकर राक्षस के चेहरे के सामने अपने दोनों पंखों को फैलाकर एक पर्दा बना दूंगा। यदि वो जाग भी गया तो आपको नहीं देख पाएगा। वो जादुई जड़ी बूटी गाढ़े हरे रंग की चमकती हुई दिखाई पड़ेगी। आप उसे लेकर शीघ्र ही यहाँ से चले जाइएगा। हे हंसराज, इसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। वैद्य जी, मेरी चिंता मत करिए, आप अपना कर्तव्य निभाइए। हंस अपने कहने के अनुसार राक्षस के पास जाकर अपने पंख फैलाकर बैठ गया। राक्षस तेज नींद में खर्राटे भर रहा था। वैद्य जी दबे पांव वहां से आगे बढ़ गए। वैद्य जी ने पर्वत पर तमाम जड़ी बूटियों पर अपनी नजर दौड़ाई। एक स्थान पर गहरे हरे रंग की चमकीली जड़ी बूटी दिखाई पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी जल्दी काफी जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपने पास ले लिए। वो वहां से चलने लगे। राक्षस अब भी सो रहा था। एक दुष्ट कौवा पेड़ पर बैठकर यह सब देखकर काव काव करके शोर मचाने लगा। उसकी यह करतूत देखकर वैद्य जी भी भयभीत हो गए। राक्षस अब भी सो रहा था, कौवा शांत हो गया। वैद्य जी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गए। वे रथ पर सवार हो गए। रथ आगे बढ़ने लगा, कौवा फिर जोर जोर से काव काव करने लगा। इतने में उन्हें राक्षस की तेज आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने रथ रुकवाया और मुड़कर देखा तो राक्षस ने हंस को अपने हाथ में तेजी से पकड़ लिया था। यह हंस तो स्वयं ही अपनी मौत के मुंह में चला आया है, अब मैं इसका भक्षण करूंगा। असहाय हंस छटपटा रहा था। वैद्य जी से हंस का यह दुख देखा ना गया। वे रथ से उतर गए। वैद्य जी, आप मेरी चिंता मत करिए, आप जड़ी बूटी लेकर जाइए और उस बालक के प्राण बचाइए। वैद्य जी परोपकारी हंस को मृत्यु के मुंह में छोड़कर जाने वालों में से नहीं थे। वो किसी भी हाल में उसके प्राण बचाना चाहते थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि हंस के प्राण की रक्षा कैसे हो। उन्होंने राक्षस से कहा,
हे राक्षसराज, यह हंस तो अपने दोनों पंख फैलाकर आपके चेहरे पर आने वाले तेज धूप से आपकी रक्षा कर रहा था। आपको तो उसका उपकार मानना चाहिए। इसके विपरीत आप उसके ही प्राण लेना चाहते हैं। आपकी नींद में खलल डालने वाला तो वो दुष्ट कौवा है। हंसराज को छोड़ दीजिए। वैद्य जी की मुंह से यह बात जैसे ही निकली, उनके हाथों में स्थित जादुई जड़ी बूटी हिलने लगी। उसमें से एक धुआं निकला और राक्षस की तरफ बढ़ गया। राक्षस सोचने लगा और उसने हंस को तुरंत छोड़ दिया। तुम कौन हो? तुमने मेरे इलाके से जड़ी बूटी चुराई है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राक्षस राज, यहाँ वैद्य राज है। इन्होंने अपने औषधोपचार से कई लोगों की जान बचाई है। यहाँ आपका भी इलाज कर सकते हैं। हाँ, मैं आपका भी इलाज करूँगा। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस पर जादुई जड़ी बूटी ने वशीकरण मंत्र कर दिया हो। राक्षस वैद्य जी को अपनी नाड़ी दिखाने लगा। राक्षस राज, आपको हृदय संबंधी परेशानी है। मैं एक अच्छी औषधि दे रहा हूँ, इसे 3 बार खाइए और आप सारे रोग से मुक्ति पा जाएंगे। वैद्य जी की बात सुनकर और उनसे औषधि प्राप्त करके राक्षस बहुत प्रसन्न हो गया। हे वैद्य जी, आपने मेरा इलाज करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप यहाँ से ढेर सारी जड़ी बूटी ले जा सकते हैं। राक्षस ने स्वयं जाकर बहुत सारी दिव्य औषधियां लाकर वैद्य जी को दे दी। हंस राक्षस के हाथ में पकड़कर जख्मी हो गया था। उसे भी जादुई जड़ी बूटी के प्रभाव से वैद्य जी ने ठीक कर दिया। वैद्य जी प्रसन्न मन से रथ पर बैठकर अपने घर वापस आ गए। उन्होंने जादुई जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर जैसे ही जमींदार के बेटे को पिलाई, वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठ गया। जमींदार ने बहुत प्रसन्न होकर वैद्य जी को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। उस दिन से वैद्य जी ने जादुई जड़ी बूटी का उपयोग करके बहुत सारे मरीजों के असाध्य रोगों का इलाज करने लगे। जादुई लिपस्टिक, बड़ी बड़ी आंखें, घने लंबे और घुघराले बाल पर रंग सांवला होने के कारण सुजाता भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहती। लेकिन अपने मस्त मोला स्वभाव के कारण सुजाता अपने कॉलेज में सारी सहेलियों में लोकप्रिय थी। जहां बैठती वहां महफिल जमा देती। कई बार तो उसकी सबसे प्रिय सखी नंदिता उसे पूछती कि इतनी हंसी तो लाती कहां से है। तब वो कहीं खो जाती और थोड़ी देर के लिए गुमसुम सी हो जाती, फिर बड़बड़ाती। जिसके भीतर जितना दर्द छुपा होता है वो ऊपर से सबसे अधिक सुख दिखाई पड़ता है। नंदिता कहती, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो गई। सुजाता एक फीकी मुस्कान बिखरते हुए उठ जाती है। वो कॉलेज में जितनी ही सुख मिजाज थी, घर आते ही अपने आप को एक आवरण में समेट लेती। उसके माता पिता और दादी कभी उसको समझ नहीं पाए या समझाने की कोशिश ही नहीं की। उनका सारा लाड़ प्यार सिर्फ और सिर्फ सुचित्रा के लिए ही था। सुचित्रा के पैदा होने पर उसके पिता को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सुचित्रा उससे 4 साल बड़ी थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग बिल्कुल मक्खन जैसा सफेद था। लेकिन जब सुजाता पैदा हुई तो एक तो उसके सामने रंग रूप और दूसरे बहुत सारा पैसा किसी कारण में डूब जाने से में घाटा हो जाने के कारण सुजाता की ही किस्मत मानकर सब उसको दोषी समझते थे। वो कभी समझ ही नहीं पाती कि इन दोनों चीजों के लिए उसको क्यों दोषी माना जाता था। जब तक वो ना समझ और छोटी थी तब तक इन बातों को नहीं समझती थी और अपने अधिकारों के लिए झगड़ती रहती थी। जब समझ आई तो उसने अपने आप को एक आवरण में समेट लिया। कॉलेज में उसका बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्व था। एक बार कॉलेज से घर आते समय वह घर के पास वाले पार्क में एक बेल के पेड़ के नीचे बेंच पर जाकर बैठ गई।
उस दिन सुबह से ही उसका मन बहुत उदास था। दादी ने उसको पीले रंग की ड्रेस में देखा तो बोली, ये रंग सुचित्रा पर कितना फबता है। तब वो चिढ़ कर बोली थी, तो मैं क्या कोई रंग पहनू ही नहीं, सब रंग सुचित्रा ही पहनेगी। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन बोली, काश मैं भी सुचित्रा की तरह ही खूबसूरत होती। तभी ऊपर पेड़ से एक बेल का फल गिरा। वो डर गई, कहीं बेल उसके सिर पर गिरता तो सिर ही फूट जाता। उसने बेल उठाकर बैग में रख लिया। उस दिन उसके घर जाने की भी इच्छा ना थी। थोड़ी देर में वो घर गई। अपने कमरे में जाकर उसने बैग खोला तो देखा कि बेल टूट गया था। उसने जब उसको निकाल कर देखा तो उसमें एक लाल रंग की लिपस्टिक थी। लाल लिपस्टिक तो उसकी सबसे पसंदीदा लिपस्टिक थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेल के अंदर लिपस्टिक कैसे आई। उसका मन थोड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, चलो लगा कर देखो, कैसे भी आई हो मुझे इसे क्या लेना। वो जैसे ही शीशे के सामने लिपस्टिक लगाने के लिए खड़ी हुई कि तभी उसमें से आवाज आई, सुजाता ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है, ये जादुई लिपस्टिक है। इसको लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत लड़की बन जाओगी और अपने सारे दुख भूल जाओगी। सुजाता ने कहा, मैं तो बस सुंदर होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे एक बार तो जरूर लगाना चाहती हूँ। लिपस्टिक बोली, अगर और कोई इच्छा है तो इसे अपने होठों पर लगाने से पहले बोल देना। उसने कहा, हाँ मेरे पापा को मेरी पैदाइश के बाद जो भी घाटा हुआ वो फायदे में बदल जाए, ताकि मेरे माता पिता और दादी मुझे भी सुचित्रा की तरह ही प्यार करें। उसने कहा, ठीक है। जैसे ही उसने लिपस्टिक होठों पर लगाई, वो एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल गई और उसके शरीर पर तरह तरह के सुंदर वस्त्र और आभूषण आ गए। उसने जब अपने आप को शीशे में देखा तो खुशी के मारे लिपस्टिक वहीं छोड़कर भागी। दादी ने उसको देखा तो देखती ही रह गई। वो बोली, अरे सुजाता तुम इतना खूबसूरत कैसे हो गई और ये कहने। सुजाता बोली, दादी अब कभी मत कहना कि मैं अच्छी नहीं हूँ। दादी उसे देखकर मुस्कुरा उठी और बोली, पगली तू तो बुरा मान गई। तभी सुचित्रा और उसकी माँ बाहर से आ गई। उसको इतना सजा धजा देखकर, उसके रूप रंग में इतना बदलाव देखकर सुचित्रा हैरान से अपने माँ से बोली, माँ मुझको इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनना है। पापा भी आ गए। उन्होंने आते ही खुशखबरी सुनाई कि मेरा डूबा हुआ सारा पैसा आज अचानक बैंक वालों ने बुलाकर वापस कर दिया। सुजाता भागकर लिपस्टिक के पास आकर बोली, तुम तो बाकी जादुई हो, क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। लिपस्टिक बोली, हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम इस बारे में किसी से कुछ मत बताना। सुजाता बोली, हाँ हाँ मैं इसे छुपा कर रख देती हूँ। तभी सुचित्रा उसके पास आई और बोली, सुजाता कैसे हुआ ये सब मुझे भी बता दो ना, मैं भी बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। सुजाता ने कहा, अरे तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें क्या जरूरत है। सुचित्रा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। वो भुनभुनाती हुई चली गई। दूसरे दिन सुजाता जब कॉलेज गई तो सारी सहेलियां उसको देखकर अचंभित हो गई। सब उसके आगे पीछे घूम रही थी। उस दिन जब वो घर पहुंची तो पापा पहले से ही घर आ गए थे। उन्होंने सुजाता को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोले, मेरी प्यारी बिटिया मुझे माफ कर दो, अपनी परेशानी में हमने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि घाटे का कारण तुम नहीं थी, मेरा अपना ही एक मित्र था जिस पर मैंने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। सुजाता बोली, पापा मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। सुजाता का बरसों से उपेक्षित जीवन जादुई लिपस्टिक ने सवार दिया था। वो बहुत खुश थी।